नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। नगर निगम ने शहर में रहने वाले व्यापारियों और कर्मचारियों की सहूलियत के लिए रविवार को लगाया विशेष शिविर। इस शिविर के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को, जो कि अन्य दिनों में ऑफिस का काम छोड़कर नगर निगम पैसा जमा करने नहीं आ सकते थे, उनको ध्यान में रखते हुए खास तौर से इस शिविर का आयोजन किया था। साथ ही व्यापारियों के हित में भी इस शिविर को लगाया गया था। हमारी टीम ने जब इस शिविर का दौरा किया नगर निगम के टाउन हॉल के अंदर, काफ़ी तादाद में टैक्स जमा करने वाले लोग मौजूद थे। वहीं नगर निगम के तमाम जिम्मेदार लोग भी रविवार का दिन होने के बावजूद शिविर लगाकर रीवा की जनता को सहूलियत देने के लिए मौजूद थे। हमारी टीम ने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की। उनका साफ तौर से कहना था, नगर निगम रीवा साफ तौर से चाहता है हम अपने शहर के रहने वालों को तमाम वो सहूलियत उपलब्ध कराएं जो उनके लिए जरूरी है। खास तौर से शहर में रहने वाले सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, जो भी नगर निगम को टैक्स देते हैं, उनकी सुविधा का हमें खास तौर से ख्याल करना है, जिसके चलते आज छुट्टी होने के बावजूद हमने टाउन हॉल के अंदर शिविर का आयोजन किया था। अभी तक की बात की जाए तो शिविर को काफ़ी सफल माना जा सकता है। लगभग आधा सैकड़ा से ज़्यादा लोग शिविर में आ चुके हैं, पैसा जमा किया है, नगर निगम को भी अतिरिक्त आय हुई है, वहीं लोगों को सहूलियत मिली। हमने जिम्मेदारों से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। मैं इस समय मौजूद हूं रीवा नगर निगम में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज रविवार है। रविवार होने के बाद तमाम जिम्मेदार लोग यहां पर मौजूद हैं। वजह सीधी सादी साफ है, संपत्ति कर, जल कर, तमाम तरीके के जो कर है उसको लेकर आज ये कैंप लगाया गया है। यहाँ पर सारे रीवा के चारों जोन के जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। मैं आज इसी बारे में बातचीत करूंगा, किस तरीके से यहाँ पर लोगों को सुविधाएं दी जा रही, किस तरीके से कर जमा कर रहे हैं। हमारे साथ सिद्दीकी जी मौजूद है, नगर निगम रीवा के संपत्ति कर अधिकारी। मेरा सीधा सा सवाल है, ये आज शिविर यहाँ क्यों? छुट्टी का दिन, ये छुट्टी के दिन के लिए स्पेशल रूप से हमारे आयुक्त महोदय ने यह निर्देश दिया कि जो करदाता हैं और जो अपने व्यापारी हैं और जो अधिकारी और कर्मचारी हैं शासकीय, उनको अगर छुट्टी के दिन शिविर लगा के किया जाए तो उनको सुविधा होगी। तो उसी लिए आज संपत्ति कर, जल कर और किराया का विशेष शिविर लगाया गया है। साल बीतने को है, लगभग 3 महीने बाद नया आप लोग के हिसाब से वित्त वर्ष आने वाला है, कितनी वसूली की आप उम्मीद करते हो? क्या आपको लगता है इस शिविर का आम आदमी को क्या कुछ फायदा होगा? निकट भविष्य में क्या आप कुछ उनको सुविधाएं भी देंगे, जैसे कर में कमी, ब्याज में कमी, इस तरीके की कुछ बातचीत क्या भविष्य में हो सकती? हमारे नगर निगम का जो 22-23 का जो कर हमारा निर्धारित है, उसी के आधार पे हम लोग कर जमा करा रहे हैं और समय समय पर शासन के निर्देश पे छूट भी दिया जाता है। और अभी तो निकट भविष्य में कोई छूट का ऐसा शासन का निर्देश नहीं है और अभी बिना छूट के भी आज काफ़ी पब्लिक आ रही है और संपत्ति कर, किराया और जल कर जमा कर रही है। आपने कहा काफ़ी पब्लिक आ रही है, तो क्या ये माना जाए कि ये शिविर आपके हिसाब से सफल रहा? ये रीवा नगर के लोगों के लिए काफी सहूलियत वाला शिविर है, लोग आ रहे हैं और ये नगर निगम की सफलता को दर्शाता है। ये थे हमारे साथ सिद्दीकी जी, संपत्ति कर अधिकारी, जिनका साफ तौर से कहना था, इस टीम का साफ तौर से कहना था कि आज हमने छुट्टी के दिन यहाँ के व्यापारी, यहाँ के कर्मचारियों के लिए शिविर आयोजित किया था, क्योंकि छुट्टी के दिन वो लोग आसानी से आ सकते हैं। हम मान सकते हैं कि ये शिविर अपने आप में रीवा शहर के लिए, उन करदाताओं के लिए काफी बेहतर साबित हुआ। अब अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए। दिनभर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।